चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बुधवार को भिंडर पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की। इस दौरान टीएसपी क्षेत्र में शामिल नहीं हुए गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने सांसद को ज्ञापन देकर उनके क्षेत्र को भी शामिल करने की मांग की। जनसुनवाई के दौरान सांसद ने अपने मत से स्वीकृति किए विकास कार्यों का फीडबैक लिया। गुरुवार को चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी दोपहर को भिंडर पंचायत समिति परिसर में पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस भिंडर ब्लॉक अध्यक्ष सूरजमल मेनारिया व कुबेर सिंह चावड़ा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने सांसद जोशी से मिलकर टीएसपी से वंचित रहे गांवों को भी शामिल करने की मांग की, जिसमें बताया कि इन गाँवों में संबंधित जातियाँ ज्यादा निवास करती है, इसके बावजूद भी शामिल नहीं किया गया। इस पर जोशी ने आश्वस्त किया कि उनकी मांग दिल्ली तक उठाकर के उचित फैसला करवाएंगे। इसके बाद सांसद सीपी जोशी ने पंचायत समिति सभागार में समस्त ग्राम पंचायत के सचिवों से सांसद मद से स्वीकृति किए गए कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट ली, जिसमें कार्य पूर्ण नहीं हुए उनको जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा अन्य समस्याओं की भी सुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान विकास अधिकारी धनपत सिंह राव, भाजपा वल्लभ नगर विधानसभा प्रभारी गणपत लाल मेनारिया सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए चलते चलते नजर डालते हैं अभी तक की खास सुर्खियों पर।